على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وبحب المساكين والذنوب منهم، وألا أسأل أحدا شيئا، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وألا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ صحابی ہیں جندب ابن جنادہ نام ہے ابو ذر غفاری ان کا ان کی کنیت ہے قبیلہ غفار سے لوگ غفاری پڑھتے ہیں ابو ذر غفاری غفاری سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کے ہیں اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. پہلے سے یہ شرک سے پہلے سے بیزار تھے تو جب سنا آپ کے بارے میں تو آئے اور پھر اسلام قبول کیا. اور ان کی خصوصیت ہے زہد، زہد دنیا سے برغبتی. اس امت کے زاہد کہلاتے ہیں، اس امت کے زاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. دنیا سے تعلق رکھنے کے قائل نہیں تھے، وہ خزانہ جمع کرنے کے قائل نہیں تھے. تو یہ روایت ان سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سات باتوں کی وصیت فرمائی. مجھے میرے خلیل نے، خلیل کا لفظ استعمال کیا، نام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلیل، میرے خلیل. خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو جو دل و جگر میں سما گیا. تو فرمایا مجھے میرے خلیل نے سات باتوں کی وصیت فرمائی. محبت کا انداز ہے. سات باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، ان انظر الى من ہوا دونی ولا انظر الى من ہوا فوقی، کہ میں اپنے سے کم درجے لوگوں کو دیکھوں اور جو اپنے سے اوپر درجے کے لوگ ہیں ان کو میں نہ دیکھوں. جو اپنے سے کم تر ہیں، یعنی مال و دولت میں، شکل و صورت میں، اولاد میں، خاندان میں، کم درجے کے لوگوں کو دیکھو، اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھو. یہ وصیت ہے، بڑی مفید ہے یہ، کہ آدمی اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھے، بڑے لوگوں کو نہ دیکھے. دنیاوی اعتبار سے مراد ہے. تو اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سوار ہو رہے ہیں اس کے اوپر. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک ماروتی والا گزرا تو آپ نے کہا رہے یار یہ تو کتنا اچھا ہے، شن سے جا رہا ہے، کھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس تو بائک ہی ہے. تو کیا ہوگا؟ حسرت، افسوس ہوگا اور کڑھے گا آدمی اور لالچ ہوگی.
ये अच्छी चीज नहीं है। दुनियावी एतबार से भी परेशानी का बाइस, और मिलेगी नहीं उसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका रिस्क तंग कर रखा है। अल्लाह ताला जानता है नब्बक, अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क खोल देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादी खबीरन बसीरा, अल्लाह ताला अपने बंदों से खबीर है, बाखबर है, देखने वाला है, वो जानता है किसको कैसा देना है मुझे। हिकमत है उसकी अल्लाह ताला की। तो मारुति वाला देखेगा जो आला आजकल जो आ रही है ना, 20 लाख 25 लाख, कौन सी आती है नाम उसका आपको मालूम होगा, तो वो देख लेगा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी, अरे उससे भी ऊपर वो वाला होगा तो उससे आला को देखेगा। तो बहरहाल वो आदमी फिर परेशान रहेगा। और बाइक है तो बाइक वाला साइकिल वाले को देखो, देखो यार इसके पास तो ये साइकिल है, मेरे पास तो बाइक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसको शुक्र शुक्र करने की तौफीक मिलेगी, उसको अल्लाह की नियामत की कदर आएगी, देखो मैं कितनी जल्दी पहुंच जाता हूँ कहीं भी, जब बेचारा ये तो थक जाएगा। तो फिर साइकिल वाला क्या करे, तो कहा साइकिल वाला देखे मोटरसाइकिल वाले को ना देखे, फिर वो पैदल वाले को देखे, ये देखो यार ये तो पैदल ही चल रहा है, मेरे पास तो साइकिल है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी राहत है, साइकिल वर्जिश हो रही है अपनी, तो क्या है अपनी तो वर्जिश भी हो रही है और काम भी निकल रहा है। तो अपनी चीज में जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पर गौर करें, जो अपनी मिली हुई है नेगेटिव ना सोचे। तो फिर कहा पैदल वाला क्या करेगा, तो पैदल वाला साइकिल वाले को नहीं देखना चाहिए, पैदल वाले को देखना चाहिए जो एक टांग से लंगड़ा है बेचारा, अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे तो दोनों पाँव 11 नंबर सवारी, जिंदाबाद, अपनी 11 नंबर सवारी ये पैदल वाली जी, 11 हो जाते हैं ना एक एक, तो कहा 11 नंबर सवारी अपनी जिंदाबाद, क्या कहीं भी चले जाओ, ये तो बेचारा लंगड़ा है। तो फिर लंगड़ा क्या करेगा, लंगड़ा उसको देखे जिसकी दोनों टांगे नहीं, मेरी तो एक टांग सलामत है, किसी तरीके से चला जाऊंगा, थोड़ी वो कौन सी चाल, मतलब नाजो अंदाज की चाल चल रहा हूँ, टेढ़ा टेढ़ा नाजो अंदाज के साथ, क्या उसको क्या कह सकते हैं, कजी के साथ, हाँ तो बल खाए हुए चल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी चाल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो चल ही नहीं पाता है। तो फिर अगर कोई दो ही टांग से माजूर है तो वो उसको देखे जिसके दोनों हाथ भी नहीं है साथ में, तो आदमी को अपने से नीचे वाले लोग मिल जाएंगे हर चीज में। काला आदमी देखे गोरे वाले को, अरे यार ये तो बहुत गोरा है, मुझे तो काला बना दिया अल्लाह ताला ने। तो काला वाला उसको देखे जो बिल्कुल तवे की तरह से, तो देखो मेरा तो इससे तो अच्छा ही है यार जी। और अगर कोई वैसा भी है तो उसको देखे जिसके चेचक के भी दाग हो रहे हैं साथ में, तो हर चीज में शक्लो सूरत हो, खानदान एक बार से, अरे यार मुझे तो इसमें पठान में बना दिया, ये तो सैयद है। बात पठान वाला उसको देखे जो उससे कम दर्जे का खानदान समझा जाता है, हालांकि खानदानी हैसियत इस्लाम में कोई है नहीं, ये छोटा बड़ा, लेकिन मुआशरे वालों ने कर लिया, तो ये तो और कम दर्जे के समझे जाते, ये तो और, हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, खानदान से ऊंच नीच नहीं होती है, तकवे से होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया और तुमको खानदानों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारे अंदर जान पहचान हो। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है, अल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानता है और बाखबर है। तो पहली वसीयत ये फरमाई कि अपने से कम दर्जे वाले लोगों को देखो, अपने से ऊपर दर्जे वालों को ना देखो। इसमें तशरी यह है कि दीन में नहीं होना चाहिए, दीन में कम दर्जे वालों को लोगों को ना देखो। आप नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं सिर्फ, तो आप कहेंगे यार ये तो इसकी तो जमात भी छूट जा रही है, मेरी तो जमात हो रही है, तो उसको देखो तो वो नहीं, दीन में तो उसको देखो जिसकी जमात के साथ साथ वो नवाफिल का बहुत एहतमाम करता है तो उसको देखो, और वो उसको देखे जो तहज्जुद रात में पढ़ता है,
दीन में ऊपर वाले लोगों को देखना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि उसकी हिर्स करें। दीन में हिर्स बेहतर है, दीन में कनाआत नहीं चाहिए, और दुनिया में कनाआत बेहतर है। दुनिया के लिए वो है, दुनियावी असबाब, दुनियावी चीजों के लिए, और दीनी उमूर के लिए इल्म है, दीन है, कुरान है। तो जो अल्लाह से तकर्रुब का जरिया है जो चीजें, तो उनमें अपन को ऊंचे वाले लोगों को देखना चाहिए, उनकी नकल करना चाहिए। यार ये भी तो है, मैं 3 पारे पढ़ता हूं तो लगे ये तो एक ही पढ़ता है, और एक वाला के ये तो आधा ही पढ़ता है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है। 3 वाला देखे 10 पारे वालों लोगों, तो फिर उससे उसके अंदर जज्बा पैदा हो, तो इसमें ये बेहतर होता है जज्बा बढ़ना, क्योंकि तो अल्लाह ताला ने कमाल की कोई हद नहीं रखी है, बढ़ते चले जाओ, कोई हद थोड़ी है। तो पहली वसीयत ये फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, के मैं अपने से नीचे वाले रहूँ। दूसरी क्या फरमाई, बेहब्बिल मसाकिन व दुनू भी मिन, मिस्कीनों से मोहब्बत करूं और उनसे करीब रहूं, मिस्कीनों से मोहब्बत करूं और उनसे करीब रहूं। मिस्कीन गरीब, गरीब निचले तबके के जो बेचारे कमजोर है, मजलूम है, यतीम, बेकस, बेसहारा, उनसे मोहब्बत करूं, उनसे करीब रहूं। ये वसीयत फरमाई आप सर, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होता है मिस्कीनों से जो आदमी मोहब्बत करता है। इसमें ये फायदा होगा कि अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम का जज्बा आपके अंदर होगा ना, तो आप भी अल्लाह के करीब हो जाओगे, और इससे दिल के अंदर इंकिसार पैदा होगा और तवाज़ो पैदा होगी, तो ये पसंद है तवाज़ो। और आप शान वाले लोगों के साथ रहोगे तो वो तकब्बुर की अलामत होगी, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कतराते हैं, क्योंकि गरीबों के पास बैठने से कतराते हैं, गरीबों को करीब नहीं करते। अरे तुम हमारे मेयार के नहीं हो, अफसर लोगों के पास, मालदारों के पास बैठना पसंद करता है, तो ताकि उनसे कुछ मिलता रहे, तकब्बुर पैदा होगा उसे। गरीबों के पास बैठो, उनकी मोहब्बत रखो, उनको जहां तक हो सके उनको फायदा पहुंचाओ, तो इससे अल्लाह ताला खुश होगा। और तीसरी बात क्या फरमाई, वान असिल रहीम वइन अजबरत। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि मैं रिश्तों के साथ सिला रहमी करूं, अगरचे वो रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़े, मैं उसके साथ सिला रहमी करूं अगरचे वो मुझसे मुंह मोड़े। तीसरी वसीयत फरमाई, इतनी अहम बात है। लोग क्या कहते हैं कि साहब जो हमसे ताल्लुक रखेगा तो हम भी रखेंगे, जो हमसे नहीं रखेगा तो हम भी नहीं रखेंगे, वो हमारे घर नहीं आते हम भी नहीं जाते, वो हमें तोहफा नहीं देते हम भी नहीं देते, वो हमें नहीं मानते हम भी नहीं मानते। तो ये सही नहीं है, वो नहीं मानते तुम मानो, वो नहीं आते हैं तुम चले जाओ, वो तोहफा नहीं देते तुम भेज दो, वो सलाम नहीं करते तुम ही कर लो सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम छोटे हो जाएंगे? नहीं छोटे नहीं हो, बड़े बन जाओगे, इससे तो हमारा जर्फ सामने आएगा, बड़ा दिल है तुम्हारा, जहन भी अल्लाह ने बड़ा बड़ी सोच दी है, जो वो उस छोटी सोच वाले हैं। इससे क्यों बोलूं मैं, ये मुझसे नहीं बोल रहा, ये बड़ी सोच है, मैं तो ऊंचा हूं, नहीं बोल रहा है तुम्हें, बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हो गई साहब, क्यों आजकल आपके तेवर चढ़ गए हैं? तो फरमाया कि वहीं असैन रहीम वहीं अदबरत, रिश्तों के साथ मैं अच्छा सलूक करूं अगरचे वो मुझसे मुंह फेरे। आपने फरमाया एक दूसरी हदीस में कि वो सिला रहमी करने वाला नहीं कहलाता है कि जो बराबरी का मामला करते, सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसका रिश्तेदार उसके साथ कता ताल्लुक ही करे तो ये उसके साथ ताल्लुक को जोड़े, वो सिला रहमी करने वाला होता है। तो कौन है रिश्तेदार, भाई बहन, चचा फूफी, मामू खाला, चचा जात भाई, फूफी जात भाई, खाला जात भाई बहन, ये सब तो ये सब रिश्तेदार हैं, इनसे अनबन नहीं रखना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है और बरकत नहीं होती है। जो इनके साथ अच्छा सलूक करता है उसकी उम्र में बरकत रहती है, उसके रिस्क में बरकत होती है, हदीस में आया है अल्लाह ताला बहुत उसको खुश रखता है जो रिश्तों के साथ अच्छा सलूक करता है।
ये बात आपने तीसरी वसीयत फरमाई कि सिला रहमी करूं अगर चाहे मुझसे मुंह फेरे। चौथी बात क्या फरमाई? चौथी बात फरमाई वाला असअल अहदन शैअन, किसी से कुछ ना मांगू, किसी मखलूक से कुछ ना मांगू। हाथ फैलाने वाली आदत नहीं, लोग बस हाथ फैलाते हैं, नीचे वाला हाथ रखते हैं, दे दे मुझे, देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं बनो, देने वाले बनो। किसी से कुछ ना मांगू, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंचा हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो किसी से मदद चाहना, कोई भी मुतालबा करना, ये मखलूक से मुतालबा करोगे तो सही नहीं, बेनियाज रहो, बिल्कुल खुद कफील, सेल्फ डिपेंडेड, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर डिपेंड रखो, फिर अपनी ज़ात पर दूसरे नंबर पर। और ये मुझे सहारा दे दे यार, नहीं, अल्लाह का सहारा काफ़ी है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी ये होता है ना खुश रहता है, और जो लोगों से उम्मीद करता है तो कह रहे यार ये तो मैं तो उम्मीद कर रहा था, ये तो कुछ नहीं, बेटे ने कुछ नहीं दिया, भाई ने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ, हम तो इनसे, आप ही की गलती है, आपने उम्मीद क्यों लगा ली मखलूक से? मखलूक से उम्मीद करोगे तो नाकामी होगे ना मुराद होगी, खालिक से उम्मीद रखो ताकि ठेस ही ना पहुंचे, पहले ही समझ लो कि उनसे कुछ लेना नहीं है और ना ये देने वाले, कोई भी हो, बस एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो फरमाया कि वल्ला असला अहदन शैअन, किसी से कुछ ना मांगो, एक आपने इरशाद फरमाया। कौन सी बात हो गई? चार हो गई, एक आदमी सुन रहा है सही से गिन कर के जी। मन असलर रहीम मन अकबर। और चौथी बात इरशाद फरमाई वन अकूल अल हक व इन कान मुर्रन, के मैं हक बात कहूं अगरचे कड़वा हो, वो हक की बात कड़वी हो तब भी हक बात कहूं, कि देखेंगे थोड़ी इसका चेहरा कैसा हो रहा है, हाँ यार इसका चेहरा सही नहीं है, चलो मैं दूसरी बदल के बात कह दूं, चेहरों को देख करके थोड़ी बात कहना है, हक को इंसाफ की बात कह रहा है, बुरा माने तो मान जाए, क्या करेंगे बुरा मान के, अपन ने पहले ही दामन झाड़ लिया लोगों से, तो हक बात कहें। इनका नंबर अगर से किसी को कड़वी लगे तो लगे, इंसाफ की बात कहना है, क्या अरे तुमने यार कह दिया सही बात थी, तुमने जुल्म किया था कह दिया हमने, तुम रिश्तेदारों हो लेकिन जुल्म करोगे तो मजलूम का साथ देंगे, तुम्हारा थोड़ी साथ देंगे, बात कहना है अगरचे कड़वी बात, लोग हक बात से ही कतराते हैं। तो ये बात इरशाद फरमाई कि हक बात कहें अगरचे कड़वी हो। और छठी बात इरशाद फरमाई वल्ला तअखुज़नी फिल्लाहि लौमतुल्लाही, अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरे। हम दीन का कोई काम कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें ऐसा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, हम अल्लाह ताला के लिए कोई काम कर रहे हैं, अब लोग पसंद करें या ना करें, तो ये आम है कि मलामत करने वाले की हक बात कहने में भी मलामत करेंगे, वो भी कहे, वो खास बात थी। अब कोई भी काम, सही काम कर रहे हैं आप, दीन की कोई बात कर रहे हैं तो कोई अच्छा समझे कोई बुरा समझे, इससे क्या मतलब, जैसे वही बात है, हाफिज साहब तरावी अगर सही पढ़ा रहे हैं सही पढ़ाते रहेंगे,